जब ऑफिस से लेट हो जाएंगे तो स्ट्रेस आएगा, हंड्रेड हो जाएगा, स्ट्रेस तो उठा ही नहीं, असल में तो खुद क्रिएट किया था, अब उसका तो कोई हल नहीं है। तो उसको मैनेज, जब पीछे अवेयरनेस और मैनेजमेंट और सारी चीजों को आप उसके जाएंगे तो वो स्ट्रेस आधे स्ट्रेस लाइफ के खत्म हो जाएंगे, आधे स्ट्रेस लाइफ के खुद बनाए हुए होते हैं, वो होते नहीं है, उनका वजूद नहीं होता, वो खुद से बनाए होते हैं। मेहमान आना है, किसी दोस्त को इनवाइट कर दिया है, किसी कस्टमर को इनवाइट कर दिया है, कोई वेंडर है, तो आप स्ट्रेस लेना है कि आप ऐसा कोई काम करें, आप ऐसी जगह मिले, आप ऐसी मीटिंग करें, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कि किसी जगह पे कोई फाइव स्टार में नहीं, ये बड़ा कस्टमर है इसको फाइव स्टार में, तो इस तरह की चीजें मैं ना अपने लिए तो वो स्ट्रेस खुद बढ़ा लेते हैं। स्ट्रेस बढ़ाना अगर सोच सोच के सोच सोच के तो दिमाग के अंदर बहुत फर्टिलाइजर है, उसको डैमेज कर देते हैं। तो उस स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए कुछ वही सेल्फ अवेयरनेस, क्या मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे हो सकता है। हाँ, आपको गोल बड़े रखने पड़ेंगे, गोल बड़े रख के उसके ऊपर आपको फोकस होकर मेहनत करनी पड़ेगी, हो सकता है फेलियर हो गया, कोई मसला नहीं, फेलियर हो गया तो आपको उसके ऊपर सोचना पड़ेगा कहाँ कहाँ क्या कमी थी। दुनिया में कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जिस दिन वो काम शुरू किया बस वो चला गया, सीधा उतर गया। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है कि एक दफा उसने किया वो हो गया। ये जो लाइट है इसके बारे में कहते हैं मतलब कितने हजार दफा उसने वो बल्ब बनाने की कोशिश की एडिसन ने और फिर भी वो नहीं बन सका। और जब आगे में किसी ने जाकर उससे मजाक किया कि तुमने तो इतने हजार दफा तुमने हजार दफा लेकिन तीन हजार दफा बनाए, तो उसने कहा था कि मुझे 1000 तरीके आते हैं जिससे बल्ब नहीं बन सकता। तो हर चीज ऐसी है, तो अपने आप को कोई वो एक ये लोग दूसरा बोलते हैं कि डोंट थिंक लाइक गॉड। इंसान है, इंसान ने उसके सामने एक चीज आई है, उसने उसके ऊपर कोशिश करनी है, प्लान करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, फिर वर्क करना है, और वो अल्लाह बेहतर जानता है क्या इस वक्त ये काम बेहतर है या इसे थोड़ा आगे करना है। और अगर इस वक्त ये इसके पास आ गई तो जैसे माँ बाप सोचते हैं, माँ बाप एक 10 साल के बच्चे को मोटरसाइकिल क्यों नहीं दिलाते, वो तो जिद कर रहा होता, रो रहा होता, माँ बाप बाद में थप्पड़ ही मारते हैं, क्यों नहीं दिलाते, क्यों उनको वो पैसे बहुत ज्यादा होते हैं कि नहीं मोटरसाइकिल को नहीं चलाना, क्योंकि माँ बाप को पता है कि इस वजह में ये मोटरसाइकिल अगर चलाएगा तो इसको नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, इसकी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। तो जो ऊपर बैठा है जो मास्टर प्लानर है वो उसको बहुत ज्यादा पता होता है कि ये आदमी ये यहाँ गया, अगर इससे आगे गया तो वहां जो चीजें हैं वो शायद ये मैनेज करेगा, बड़े जिससे कि इसको यही ले लिया तो पहले से नीचे मिले, एक दोबारा सीख गया। कहीं जब आप सोचेंगे कि आप आपके इन्वॉल्वमेंट लोग कहते हैं अरे यार वो बड़ा अच्छा हो गया, उस वक्त वो यूं हो गया, अगर मैं चला जाता तो ये हो जाता, वो बहुत अच्छा हुआ मैं गया नहीं, यूं हो गया, बहुत अच्छा हुआ मैंने वो लिया नहीं, ये यूं हो जाता, क्यों? क्योंकि जब वो बंदा सिचुएशन में होता है तो वो उसके ऊपर पूरा उसके ऊपर लगा होता है मुझे ये करना है ये करना है, और जब उसमें फेलियर होता है या डिले होता है तो वो टेंशन लेता है कि रिफाइंड पूरी नहीं होती। लेकिन तो अल्लाह जानता है वो वहां बेहतर जानता है, तो उसमें फेलियर हो सकता है, फेलियर का मतलब फेलियर ना ले, फेलियर का मतलब कभी भी फेलियर ना ले, वो एक फीडबैक है, आपने जो प्लान किया उसका फीडबैक है कि यहां तक जब आप पहुंचे तो इसमें कोई कमी थी, और वो कमी क्या थी उसके ऊपर रिसर्च करें, फिर दोबारा से जब आप शुरू करें तो वो कमी नहीं होनी चाहिए, हो सकता है कोई और कमी रह गई हो फिर फेलियर हो, लेकिन ओरिजिनली वो फेलियर नहीं है, वो भी फीडबैक है कि जो आपने प्लान किया था वो प्लान कामयाब नहीं हुआ, इसके और कोई प्लान होने चाहिए, इसमें कहीं कहीं कुछ और चीजें चाहिए, फिर दोबारा से शुरू करें, अल्टीमेटली आप वो कामयाब हो जाएंगे। और आप देखेंगे कि आपने अगर आपने काम शुरू किया और उसमें 2 साल 1 साल 6 महीने 10 साल 5 साल कोशिश की, आप कामयाब नहीं, आप दोबारा शुरू किया वो चीजों को सोच समझ के कि हाँ ये कमी थी इसको इस तरह करना चाहिए, आप देखेंगे कि वो काम वाकई ही उसमें वो कमियां थी और अब जो हुआ उससे बहुत बेहतर थी। तो इसलिए किसी भी धर्म पे किसी भी जगह पे ये बिल्कुल ना सोचें कि ये काम नहीं हो सकता या ये मेरा फेलियर हो गया। आपने जो प्लान किया उसका फीडबैक, उनका फीडबैक आपको मिला तो आप बैठे उसके ऊपर प्लान करें दोबारा से, सोचें क्या क्या कमी रहेगी। ये टाइम है, आप भी समझे कि पूरे
सेल्फ मैनेजमेंट की जो बैकबोन है वो टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट व्हाट आर यू गोइंग, टाइम मैनेज करने के लिए हर बंदे के लिहाज से एक ही काम करने वाले भी हर बंदे के लिहाज से उसका तरीकाकार उसको एग्जीक्यूट करने डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले तो व्हाट आर यू गोइंग, व्हाई आर यू हियर, जिस जगह पे जो काम कर रहे हैं, जिस पोजीशन में है, जो डेजिग्नेशन है जो आपका, वो Why are you here? Where do demand come from? कि ये जो अभी आज अभी करना है, कल करना है, करना है, क्या है, कहाँ से आया, क्यों है, इसकी जरूरत क्या है, इसकी डिमांड क्या है। ऐसे ही जैसे अभी आप यहाँ पे हैं, ये एक आपको करना भी है, ये आपका एक स्टेप है पहले का, क्योंकि आपकी सेल्फ स्टीम वो है कि आप जहाँ पहुंचे कि मैं ये लर्न करूँ और ये जो मुश्किल मसला है इसका हल निकालें, और ये पहला स्टेप है, पहली कामयाबी है। तो आप जब यहाँ आए, जैसे क्यों है भाई, सेल्फ मैनेजमेंट सीखनी है, सेल्फ मैनेजमेंट सीखनी है, तो आप बैठे हैं, फोकस कर रहे हैं, समझ रहे हैं, सोचने की कुछ आपके अपने माइंड में, मेरी बातों से अपने माइंड से बहुत कुछ आपके निकलेगा जो आपको निकलेगा। तो ये डिमांड कहाँ से आई आपके पास, इंटरनल अगर आप पूछिए डिमांड कहाँ से है, क्यों आई, और भी तो लोग हैं क्लास में 3 करोड़ लोग हैं, उसमें से चंद लोग भी तो काफी ठीक है। तो ये जो डिमांड आई है यही आपको गोल अचीव करने के लिए लेके जाएगी, सेल्फ मैनेज करने के लिए लेके जाएगी और टाइम मैनेज करने के लिए जाएगी, जो कि बैक पॉइंट है। अच्छा, टाइम मैनेज करने के लिए कोई साइंस नहीं है, छोटी छोटी सी छोटे छोटे से फार्मूले हैं, छोटी छोटी सी ट्रिक्स एंड टिप्स हैं जिससे आपका टाइम मैनेज। और ओवरऑल जो बात है वो इतने फाइनल वर्ड के, देयर इज नो शॉर्टकट टू मैनेज टाइम, देयर आर सम गाइडलाइंस, शेप इट अकॉर्डिंग टू योर नीड। टाइम सबके पास 24 घंटे हैं, जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं नॉर्मली सबके काम बराबर हैं, यानी सोना भी है, खाना भी है, सारे काम ऑलमोस्ट बराबर ही होते हैं। ऐसा क्या है, एक बंदा जो है वो एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन चला रहा होता है उसी 24 घंटे में, वो उसके पास 100 या 200 या 1000 या 40 से 50 से 5 इंप्लाइज होते हैं, वो भी साथ लेके चल रहा होता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी होती है जिसमें 10,000-20,000 वर्कर होते हैं और सारे डिपार्टमेंट होते हैं, एक बंदा चला रहा होता है, पूरा मुल्क एक बंदा चला रहा होता है, ये क्या है। और एक बंदा है वो सिर्फ अपने ऑफिस के और अपने घर के छोटे छोटे काम को है वो नहीं मैनेज कर रहा, उसको वो टाइम नहीं मैनेज कर पा रहा, ये क्या उसको पता चल रहा है, वो तो कंपनी चला रहा है या ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है या वो कंट्री चला रहा है, तो उसको कोई अलग से एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा आईज, एक्स्ट्रा कुछ दिया है। तो इसमें इस सिर्फ फर्क क्या है, टाइम फिर हो टाइम मैन ए मैन, टाइम मैन ए मैन। जब आप इसको फोकस करेंगे तो आपको नजर आएगा कि वो जो कंपनी या कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है वो एक बंदा जो मुनासिब सी जॉब करता है, घर की दाल सब्जी डालनी होती है और आप उसके छोटे छोटे काम करते हैं, वो फिर भी नहीं कर पा रहा, ऑफिस भी लेट पहुंचता है, घर भी लेट पहुंचता है, नमाज भी नहीं पढ़ पाता, वो खाना भी टाइम पर नहीं खा पाता, कभी बिल जमा टाइम पर नहीं करा पाया, टाइम नहीं मिला उसको, ऐसी छोटी 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 चीजें उसकी याद आप खुद ले। तो ये क्या है, ये तो यानी कोई ऐसा है बस समझ में आता है कि यानी शायद अल्लाह ताला ने उसको कुछ काम चीजें दी हो और वो जो दूसरे लोगों को ज्यादा दी, पर आपने बता सकता ऐसा कुछ है क्या, लगता है ऐसा कुछ
आवाज नहीं, थोड़ा सा जोर से बोले। हम लोग अपने टाइम को सही से मैनेज नहीं कर रहे होते, वही सुबह उठते ही गलत टाइम से, फिर ऑफिस के लिए भी भाग दौड़ के साथ जा रहे हैं, नाश्ता भी जल्दी जल्दी किया कुछ ऑफिस जाके चाय पी रहे हैं, तो हर चीज हम डिले कर रहे होते हैं और वो रात तक वो सारी चीजें डिले ही चल रही होती है। एग्जैक्टली, बहुत जबरदस्त बात, बहुत जबरदस्त बात, क्योंकि हम सुबह एक काम, पहला काम डिले करते हैं, दूसरा उसमें मजीद 10 मिनट ऐड हो जाते हैं, तीसरे में 5 मिनट और ऐड हो जाते हैं, वो रात तक पता चला 2 घंटे डिले हो गए, रात को 2 घंटे लेट से हो जाते थे, फिर लेट, तो स्ट्रेस भी ले रहा है बंदा, हर जगह लेट पहुंच रहा है, सेल्फ एस्टीम भी डाउन हो रही है, काम भी टाइम पे नहीं हो रहा, जहर मालूम साहब भी, घर वाले भी नाराज, ऑफिस वाले भी नाराज, रास्ते में आप भागदौड़ में जा रहे हैं, जो जिससे टकरा है वो भी टकरा, यानी पॉइंट क्या है, एक कसम टाइम मैनेजमेंट। तो एक छोटा सा पॉइंट अगर आप सही कर लें, अगर आप उसको समझ लें कैसे सही करना है, मगर कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, तो बहुत मुश्किल काम है। इसका क्या हल है? अच्छा, एक ट्रिक देता हूं, एक छोटी सी ट्रिक, टिप देता हूं, टिप छोटी सी ना, एक रिसर्च में मैंने पढ़ा कि जो दिमाग है, ब्रेन जो है, ब्रेन मतलब ऐसा नहीं है कि वो उससे उसको तशरीफ नहीं, इस तरह के ब्रेन के जो काम है वो एक जंजीर की तरह, जैसे जंजीर कहती है, ये मिसाल के तौर पर पानी की ईंट पे आप बकरा जाप लेते हैं, तो उसकी वो लोहे की जंजीर बनी होती है ना, तो वो यूं यूं कुंडे लगे होते हैं ना, दोनों एक के ऊपर एक दिशा, कुंडा पे दिशा, कुंडा पे दिशा, या ये जो खवातीन जो जंजीर गले में पहनती है, तो कुंडे बने होते हैं एक दूसरे जगह पे। तो रिसर्च की जो उस एक स्टडी की जो मुझे बहुत अच्छी लगी, बस चार अंक की हो सकता है आपको बहुत फायदेमंद हो, तो उसने रिसर्च के ऊपर बताया कि जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर ना काम इस तरह कुंभों में जो जकड़े हुए, वो ऑलरेडी एक पूरा एक वो जंजीर बनी है, नॉर्मल इंसान की नॉर्मल अंदाज से कैसे एक चीज उसमें डाली।